जो इनइक्वालिटी स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है? जल्दी से आ जाओ बालकों, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ बच्चे लोग। आई होप सबको क्लियरली दिखाई और सुनाई दे रहा होगा एकदम अच्छे से। चलो तो लेट्स सी, लेट्स सी। इस बार थोड़ा छोटा सा बोर्ड है और स्पेस कम है, तो आई विल ट्राई कि मैं बोर्ड पे लिखूं और थोड़ी सी शक्ल कम दिखाई देगी, ठीक है? थोड़ी सी शक्ल कम दिखाई देगी। आई होप सबको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, आई होप सबको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है इनइक्वालिटीज, भाई ये चैप्टर जो है अपना, ये चैप्टर जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एवरीथिंग जिसको मतलब 11वीं में जाके कुछ भी करना है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। 11th में जाके अगर मैथ्स लेना है और आपको जेई की प्रिपरेशन करनी है, या जेई वाले फील्ड में, या जो भी इंजीनियरिंग के कोई भी एग्जाम्स देखने हैं, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इसका यूज बहुत कम आता है, डायरेक्ट यूज बहुत कम आता है, इनडायरेक्ट यूज में बहुत सारे यूज आते हैं, इनडायरेक्ट में बहुत सारे यूज आते हैं। क्या सबको वीडियो क्लियर आ रहा है? एकदम एकदम सबको वीडियो क्लियर आ रहा है, एकदम सबको वीडियो क्लियर आ रहा है। देख लो बच्चों, क्या सभी लोगों को वीडियो क्लियर आ रहा है एकदम? तो इफ दैट इज दैट, तो फिर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। चलो भाई, चलो चलो, ठीक है। बहुत एकदम झक्कास वीडियो आ रहा है, एकदम मैंने देख लिया, झक्कास वीडियो आ रहा है। थोड़ा सा छोटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा छोटा भी लिख सकते हैं। हाँ भाई, तो ये मैं समझा रहा हूँ किस किस चैप्टर के लिए। सबसे पहले तो ये किस किस चैप्टर के लिए जरूरी है। सबसे पहला यूज तो इसका क्वाड्रेटिक में ही आएगा भाई, ये खुद भी एक अपने आप में चैप्टर है। फिर इसका यूज आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, खुद भी ये अपने आप में एक चैप्टर होता है। इसका यूज आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले, जो आप देखोगे, ठीक है? उसके बाद मतलब आप अगर चैप्टर में कभी भी वेरिएबल्स आते हैं, जिस भी चैप्टर में वेरिएबल्स आते हैं, जहां पे चीजें इक्वल नहीं करनी होती हैं, उस हर एक चैप्टर में आपको इनइक्वालिटी का यूज मिलेगा। कैलकुलस में बहुत मिलता है, फंक्शंस में बहुत मिलता है, इनइक्वालिटीज कई सारे चैप्टर में बेस का काम करता है। एकदम जो बेस बनता है, बहुत सारे, सबसे ज्यादा यूज आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फिर बाकी सारे चैप्टर्स में बहुत बेस का काम करता है। सबसे ज्यादा यूज होता है क्वाड्रेटिक में, बाकी सारे चैप्टर्स में ये चैप्टर बेस का काम करता है। अगर आपको ये चैप्टर आता है तो आपकी बहुत सारी मुसीबतें कम हो जाती हैं, और अगर नहीं आता है तो फिर काफी मुसीबतें बढ़ जाती हैं। तो जो ये चैप्टर हम लोग सीखेंगे, जैसा कि मेरा हमेशा से मोटो ये रहा है कि जब हम लोग क्लास स्टार्ट करें तो हम लोग एकदम बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़े। जैसा मैंने लॉग में तुम लोगों को सिखाया था, एकदम बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस की तरफ ले गया, तो वैसे समझना सही भी रहता है। कोई बहुत सारे लोग बिगिनर्स होते हैं जिनको प्रॉब्लम्स होती है चैप्टर को समझने में, कि सर मतलब हमने तो कुछ सीखा ही नहीं स्टार्टिंग में, सर एकदम हवा में पहुंच गए, एरोप्लेन उड़ा रहे हैं बिल्कुल। तो इसलिए बेसिक समझना बहुत जरूरी है, और अगर आपको फील होता है कि आपके बेसिक्स हैं क्लियर, तो फिर अभी आज की क्लास है और अगले 2 दिन दो क्लास करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपके बेस क्लियर हैं तो अगली दो क्लास करने की कोई जरूरत नहीं। तो भाई क्या होता है इनइक्वालिटीज? एक आइडिया तो सबको ही होता है, क्योंकि क्लास 8 से ही आपके सिलेबस में एक चीज स्टार्ट हो जाती है, दैट इज इक्वेशंस। आप वहां पे पढ़ते हो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, फिर 9th में थोड़ा और पढ़ते हो पॉलिनोमियल्स में, फिर 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हो, फिर 11th में तो पूरा पूरा मतलब हो ही जाता है 11th इक्वेशंस करके। तो इक्वेशंस में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वाड्रेटिक की बात करें, तो
या सिंपल एक लीनियर इक्वेशन की बात करें कि जैसे एक्स प्लस वन या एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो इक्वेशन में जो ये क्वांटिटी होती है वो जीरो के बराबर होती है, और इक्वेशन जो वर्ड आया है वो वर्ड का ओरिजिन ही इसमें ई क्यू यू ए और एल ले लो तो इक्वल से आ रहा है, इक्वल से इक्वेशंस। तो अगर हम बात करें इन इक्वेशंस, तो इन इक्वेशंस क्या हो सकती है, अगर इक्वेश कोई भी चीज इक्वेशन नहीं होगी तो उसको हम लोग इन इक्वेशन कहेंगे। तो जैसे इक्वेशन में बराबर का निशान यूज होता है, तो भाई अगर दो चीजें बराबर नहीं है, इस तरीके सोचो कि अगर दो चीजें बराबर नहीं है तो क्या होगा। जैसे सपोज आप दो, आप और आपके दोस्त हैं और दोनों की हाइट्स में कंपेयर कर रहा हूँ, तो सपोज ये हाइट्स बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो कोई एक लंबा होगा एक छोटा होगा, सीधी सी बात है, कोई एक लंबा होगा और एक छोटा होगा, सीधी एकदम सीधी सी बात है। अगर दोनों की हाइट सिंपल नहीं है तो फिर एक आदमी लंबा होगा और एक आदमी छोटा होगा। तो भाई साहब इन लंबे और छोटे के लिए हम लोग मैथमेटिक्स में जो साइन यूज करते हैं वो यूज करते हैं ग्रेटर देन, मतलब इस तरीके से कह सकते हैं, लेस देन का कह सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू का कह सकते हैं, लेस देन इक्वल टू का कह सकते हैं। तो मैथमेटिक्स में उस चीज को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो एक चीज समझ में आ रही है कि इक्वेशन को बताने का सिंबल एक ही है, इनइक्वालिटीज को बताने का सिंबल चार हो सकता है। इसमें चीजें जीरो के बराबर होती हैं, इसमें चीजें जीरो से बड़ी जीरो से छोटी, जैसे अगर हम जीरो से कंपेयर करें, जीरो से बड़ी या बराबर, जीरो से छोटी या बराबर, ये चार तरीके के सिंबल यूज होते हैं। यानी हम लोग यहाँ पे जो फोकस, हमारा जो फोकस रहेगा, हमारी जो बात रहेगी वो किसी चीज से बड़ा या छोटा करने की बात रहेगी। तो ऐसी सारी चीजें विद वेरिएबल्स कहलाती हैं इन इक्वेशंस। ये चीज क्लियर हुई? इन इक्वेशंस क्या होती है ये चीज क्लियर हुई? इन इक्वेशंस क्या होती है ये चीज क्लियर हुई? फिर जब हम लोग सॉल्यूशंस ऑफ इन इक्वेशंस पे आएंगे तो हम लोग एकदम डिटेल्स में बात करेंगे कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं। अभी हम लोगों को सॉल्यूशंस तक पहुंचने के लिए काफी लंबा रास्ता तय करना है। तो भाई इन इक्वेशंस में अगर कोई चीज बड़ी या छोटी होती है तो बड़ी या छोटी चीज को दिखाने के लिए हम लोग नंबर लाइन पे भी थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं, थोड़ा सा नंबर लाइन पे भी फोकस कर सकते हैं। नंबर लाइन पे कैसे फोकस कर सकते हैं, जैसे मैंने आपसे बोला कि बताओ वन से बड़ी चीजें कहाँ मिलेंगी, तो आप बोलोगे सर वन से बड़ी चीजें हमें इस साइड मिलेंगी, इस साइड चले जाएंगे तो वन से बड़ी, ठीक है। मैंने बोला कि बताओ थ्री से छोटी चीजें कहाँ मिलेंगी या माइनस टू से छोटी चीजें कहाँ मिलेंगी, तो आप बोलोगे सर माइनस टू से छोटा, किसी नंबर से छोटा निकालने के लिए लेफ्ट साइड में चले जाएंगे, तो लेफ्ट साइड में चले जाएंगे। तो पूरा खेल जब हम लोग सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो पूरा खेल इस चीज पे आके अटक जाएगा। अगर आप ये समझते हैं, अगर आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आती है कि बड़ा इस साइड होता है किसी नंबर से बड़ा और छोटा इस साइड होता है, तो आपको इन इक्वेशन या इन इक्वालिटीज में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इन इक्वालिटी सॉल्व करने में। अगर आप ये चीज रियलाइज कर जाते हैं कि बड़ा इस साइड होगा छोटा इस साइड होगा, तो सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाई साहब इनइक्वालिटीज को भी डायरेक्ट नहीं सीखा जाता है, इनइक्वालिटीज को डायरेक्ट नहीं सीखा जाता, सबसे पहले इसमें हम लोग सीखते हैं इंटरवल्स। ये सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इंटरवल्स, फिर हम लोग इंटरवल्स को सीखने के बाद तब हम लोग इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशंस की बात करेंगे। पहले तो हम लोग सीखेंगे इंटरवल्स। इंटरवल्स कैसे होता है, क्या मतलब होता है इंटरवल्स? जब हमारे पास इक्वेशन थी तो हमने कह दिया कि अपना आंसर सीधा सीधा वन होगा, एक फिक्स्ड आंसर मिल गया। इस फिक्स्ड आंसर को नंबर लाइन पे अगर दिखाओगे तो आप ये बोल दोगे कि ये पॉइंट हमारा आंसर है, यहाँ पे कटो। जब हमारे पास इन इक्वेशंस या इन इक्वालिटी, तो अगर मैं इसको जीरो से बड़ा करता हूं तो ये एक्स वन को सीधा सीधा सामने भेजोगे तो आ जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन वन। तो यहाँ पे जो आंसर आपको मिलेगा वन से बड़ा, मतलब वन से बड़ा ये स्पेस आपको पूरा आंसर मिलेगा। तो एक तो बेसिक डिफरेंस सभी लोगों को दिख रहा होगा कि जब हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो हमें एक जो आंसर मिल रहा है वो पॉइंट मिल रहा है। ऐसा मोस्ट ऑफ द इक्वेशंस में होता है कि आपको आंसर जो मिलते हैं फिक्स पॉइंट्स मिलते हैं या फिक्स रूट्स मिलते हैं, जिसको आप रूट्स कहते हो,
वो आप इजिली लोकेट कर सकते हो। यहाँ पे देखो एक्स इज ग्रेटर देन वन, तो इसमें आपको एक स्पेस मिल रहा है, या कह दो नंबर लाइन का वो हिस्सा मिल रहा है, या कह दो ये पार्ट मिल रहा है। तो ये जो स्पेस है इसको हम लोग मैथमेटिकली इंटरवल्स की फॉर्म से दिखाते हैं, इंटरवल की हेल्प से दिखाते हैं। ये जो स्पेस है उसको मैथमेटिकली हम लोग इंटरवल्स की हेल्प से दिखाते हैं। तो इंटरवल्स में भी देखो चीजें किस तरीके की होती हैं। सबसे पहली चीज तो टाइप क्या होता है, तो भाई इंटरवल्स के होते हैं दो टाइप, इंटरवल्स के होते हैं दो टाइप। एक होता है ओपन इंटरवल और दूसरा होता है क्लोज इंटरवल। इंटरवल्स के होते हैं दो टाइप, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। कैसे वर्क करता है ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, किस तरीके से काम करता है इंटरवल्स में? तो ओपन इंटरवल में क्या होता है, हम लोग यहां इस वर्ड का यूज करें तो हम लोग सीधा सा कह देते हैं ओपन एट एंड, जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उस पे ओपन। क्यों ऐसा होता है, थोड़ा सा और काम कर लेते हैं हम लोग। इज इट वर्किंग नाउ, इज इट वर्किंग नाउ, क्या ये अब वर्क करने लगा? सब लोग एक बार फिर से वो करो, ज्वाइन करो, एक तरीके से फिर से ज्वाइन करो तो फिर से वर्क करने लगेगा। एक बार ज्वाइन करो सब लोग फिर से, तो ज्वाइन कर वर्क करने लगेगा। फिर से ज्वाइन करो। यस यस यस, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम लोग 2021 में नहीं 1980 में जी रहे हो, कभी कभी ऐसा लगता है ये सब प्रॉब्लम्स। तो इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझा देता हूँ, क्योंकि ऐसे तो किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा। मुझे भी फील हो रहा है यार कि अगर ऐसे किसी को बोला जाए कि एंड पॉइंट को इंक्लूड कर लो, मत इंक्लूड करो, तो इसका मतलब तो अभी किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ। देखो मैं दो एग्जाम्पल्स देता हूँ, मैं दो एग्जाम्पल्स देता हूँ। नंबर लाइन, सपोज मुझे नंबर लाइन पे जाना है 1 से 3 तक, 1 से 3 तक जाना है, और 1 से 3 तक इस तरीके से ये वाला स्पेस मुझे कवर करना है। अब इस स्पेस को कवर करने के लिए हमने कहा कि जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि एक्स कोई नंबर है, वो 1 से 3 के बीच में लाइक करना है। एक एग्जांपल, एक्स कोई नंबर है जो 1 से 3 के बीच में लाइक करना है। तो अगर ये एक्स 1 से 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका नंबर लाइन पे मीनिंग क्या होता है? नंबर लाइन पे मतलब क्या होता है? नंबर लाइन पे आप 1 पे हो, आप 3 पे, तो आपकी जो जर्नी स्टार्ट होगी 1 से स्टार्ट होगी और 3 तक जाएगी, नंबर लाइन पे ही मतलब। अच्छा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है इसका मतलब कि एक्स जो होना चाहिए शुड बी ग्रेटर देन 1, शुड बी ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब क्या है, एक्स शुड बी ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट 1 है इस पॉइंट से बड़ा रखना, यानी ये पॉइंट आपका इंक्लूड नहीं होगा। तो इनइक्वालिटी में जो पॉइंट शामिल नहीं होते उसको ऐसे इस तरीके से बताते हैं, इस तरीके के सर्कल से बताते हैं। इसी चीज को कैसे बोलते हैं, इसी चीज को ऐसे ही बोलते हैं, 1 इज एक्सक्लूडेड। अभी मैं इंक्लूड करने का भी बताऊंगा। अच्छा, सेम चीज को ऐसे ही बोल दिया कि 1 इज एक्स। इस चीज का क्या मतलब है, इसका मतलब है एक्स शुड बी लेस देन 3। तो अगर ये लेस देन 3 है, 3 से छोटा हो रहा है, तो 3 जो पॉइंट है बिल्कुल की यहां पे आप पहुंच नहीं पाओगे। इससे पहले ही, इससे पहले का मतलब 2.999999999 पे खत्म हो जाओगे। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं 3 इज एक्सक्लूडेड। अब इस चीज को दिखाने के लिए, इस चीज को शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओपन इंटरवल का यूज करते हैं। व्हेन थिंग्स आर टू बी एक्सक्लूडेड वी यूज ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल के लिए ब्रैकेट जो यूज होता है वो ऐसा ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट यूज होता
ओपन इंटरवल के लिए राउंड ब्रैकेट, ओपन इंटरवल के लिए ब्रैकेट जो यूज होता है वो राउंड ब्रैकेट यूज होता है। तो मैंने कहा कि मुझे 1 से 3 तक जाना है। अब इसको इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं कि हमारा जो आंसर है वो 1 से 3 तक है, तो एक कॉमा लगा के लिख देते हैं। जिन दो नंबर्स के बीच में हमें ट्रेवल करना होता है, जिन दो नंबर्स के बीच में हमारा आंसर होता है, उसको एक कॉमा लगा के लिख देते हैं। फिर इनको जैसे एक्सक्लूड करना है, शामिल नहीं करना है, तो हमने इसको राउंड ब्रैकेट से यूज। तो ये एक पूरा एक बढ़िया सा एग्जाम्पल हो गया ओपन इंटरवल का। देखो आपका आंसर क्या था, 1 से 3 तक जाना है, तो आपने इसका सॉल्यूशन इंटरवल के फॉर्म में कैसे बताया, 1, 3, जिन दो नंबर्स के बीच में रहना है उसको कॉमा लगा के लिख देते हैं। फिर ब्रैकेट कौन सा यूज करते हैं, अगर ये शामिल नहीं करना है तो ये इसके लिए हम लोग, ये एक एंड पॉइंट है जिसके लिए हम लोगों ने राउंड ब्रैकेट यूज करिए, दूसरा एंड पॉइंट है उसके लिए भी राउंड ब्रैकेट। तो ये हुआ आपका ओपन इंटरवल का मतलब, दिस इज द मीनिंग ऑफ ओपन इंटरवल। तो अगर हम ओपन इंटरवल को एक जनरलाइज फॉर्म में लिखें, अगर हम लोग जनरलाइज करें ओपन इंटरवल को, तो हम लोग इस तरीके से जनरलाइज कर सकते हैं मीनिंग को, ओपन इंटरवल के मीनिंग को हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं, मीनिंग को इस तरीके से जनरलाइज कर सकते हैं कि इफ ए कॉमा बी का ओपन इंटरवल लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें ए से बी तक जाना है और इन दोनों एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना है। बोलो ये चमक में आया, क्या मतलब निकला इसका, ये चमका भाई। अच्छा विस्फोट हो गया, चमका नहीं विस्फोट हो गया, बहुत अच्छा। क्लोज्ड इंटरवल के हम लोग यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट ए बी का मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट ए बी का मतलब हो जाएगा कि आपको जाना तो फिर से ए और बी की, ए से बी तक है, आपको जाना तो फिर से ए और बी तक, आपको जाना तो फिर से ए और बी तक, लेकिन इस बार हमें आराम से ए से स्टार्ट करेंगे, बी पे खत्म करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को भी इंक्लूड करना है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओपन इंटरवल एंड क्लोज्ड इंटरवल। एक परफेक्ट एग्जांपल हो गया कि ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है, यानी आपका आंसर कुछ भी हो सकता है, ए पॉइंट 001 भी हो सकता है, बी से पॉइंट 00 कम हो सकता है, लेकिन उनको छोड़ दो, लास्ट के दो पॉइंट्स को छोड़ दो। वैसे ही यहाँ पे क्लोज इंटरवल का क्या मतलब हुआ कि आप उन दोनों पॉइंट्स को इंक्लूड कर, उन दोनों पॉइंट्स को इंक्लूड कर। इस सॉल्यूशन को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं कि जो भी आपका वेरिएबल है वो ए से बी के बीच में, इस सॉल्यूशन को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, जो भी आपका वेरिएबल है वो ए से बी के बीच में तो है ही, ए को इंक्लूड भी करना बी को भी इंक्लूड करना, इसलिए एक चेंज होता है कि यहाँ पे ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू का निशान भी आता है। जैसे ये निशान जो है ये ओनली ग्रेटर देन का है कि एक्स इज ग्रेटर देन ए, यहां पे ये निशान ग्रेटर देन और इक्वल टू का हो जाता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का हो जाता है, ये चीज, ये बेसिक डिफरेंस। तो अब आप बोलोगे कि सर क्या ब्रैकेट दो ही तरीके का हो सकता है, आप बोलोगे कि यार क्या ब्रैकेट दो ही तरीके का हो सकता है, नहीं, मेरा आंसर होगा नहीं, ब्रैकेट आपके मिक्स्ड भी हो सकते हैं। मिक्स्ड कैसे हो सकते हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत भी होगी। अब मैं मिक्स्ड के बारे में बताऊं, मिक्स्ड के बारे में बताऊं, तो इन जनरल आपको ब्रैकेट जो मिलेंगे ना वो चार तरीके के मिलेंगे इन जनरल आपको जो ब्रैकेट्स मिलेंगे वो चार तरीके के मिलेंगे। देखो चारों तरीके के ब्रैकेट लिख देता हूं फिर मैं सबके मिलेंगे। एक तो आपने देख लिया ए बी ओपन इंटरवल, दूसरा आपने देख लिया ए बी क्लोज इंटरवल, तीसरा हो जाएगा ए पर क्लोज्ड बी पर ओपन, चौथा हो जाएगा ए पर ओपन और बी पर क्लोज्ड। ये चार तरीके होते हैं जिन चीजों को, अब देखो मतलब कुछ नहीं है, जिन चीजों को इंक्लूड करना होगा उसके लिए हम लोग इंक्लूजन के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे, इंक्लूजन मतलब क्लोज्ड
एक्सक्लूजन मतलब ओपन, जिन पॉइंट्स को शामिल करना होगा उसके लिए क्लोज पॉइंट, क्लोज इंटरवल का यूज करेंगे, क्लोज ब्रैकेट का यूज करेंगे, जिन पॉइंट को शामिल नहीं करना होगा उसके लिए ओपन का यूज करेंगे। इसको ऐसे समझ लो ना जैसे आपके एंड पॉइंट्स हैं, तो एंड पॉइंट्स पे ओपन होने का मतलब ये है कि आपको उसको शामिल करना ही, खुला छोड़ देना है, एंड पॉइंट को खुला छोड़ देना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंड पॉइंट को शामिल करना है मतलब अपना बंद हो जाएगा, घर बंद हो जाएगा एकदम। ऐसे समझ लो जैसे आपका घर का गेट है, तो गेट में आप इस तरीके से जब आप राउंड ब्रैकेट यूज करते हो तो आपने गेट खुला छोड़ दिया, जब आप क्लोज ब्रैकेट यूज करते हो तो समझो गेट आपने बंद कर दिया, ऐसे समझो। ठीक है चलो, तो अब इन चारों का नंबर लाइन पे मतलब बताते हैं और एक्स किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में मतलब बताते हैं। इसका मतलब हो जाएगा, पहले वाले का मतलब नंबर लाइन पे क्या सेंस बनेगा, पहले वाले का नंबर लाइन पे सेंस हो जाएगा ए बी, आपको जाना ए से बी तक है और ए और बी को इंक्लूड। दूसरे का मतलब हो जाएगा आपको अभी भी ए और बी, ए से बी तक जाना है लेकिन एंड पॉइंट्स को इंक्लूड करना है। तो मैं स्टार्टिंग के लिए, क्योंकि आप नया नया सीख रहे हो तो इसलिए मैं ये सब यूज कर रहा हूँ, जब आप सीख जाओगे तो ये चीजें बहुत छोटी सी लगेंगी। इसमें क्या हो जाएगा कि ए को इंक्लूड करना है और बी को एक्सक्लूड करना है। तो आप जब इसको लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, ए से बी तक ही जाना है लेकिन ए को इंक्लूड करना है तो ऐसे, और बी को एक्सक्लूड करना है तो ऐसे। इसमें क्या हो जाएगा कि ए को एक्सक्लूड करना है और बी को इंक्लूड करना है ऐसे। तो अगर कोई आप में से नोट्स बना रहा हो, क्योंकि इधर मेरे पास स्पेस कम है, अगर आप में से किसी कोई नोट्स बनाना हो तो ये चीज जरूर लिख लेना, मैं लिख भी देता हूँ कि इसको ऐसे लिखते हैं ए से बी तक। यहाँ पे आप आगे लिख देना बोथ, मतलब आपको ए से बी तक जाना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑल द नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, इस चीज का मतलब क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच के सारे नंबर्स एक्सक्लूडिंग ए एंड बी, ए और बी को एक्सक्लूड करना, ए और बी के बीच के सारे नंबर्स लेने लेकिन ए और बी को एक्सक्लूड करना। तो आप आगे लिख देना अगर आप नोट्स बना, इसका मतलब हो जाएगा कि ए और बी के बीच के सारे नंबर इंक्लूड करना है ए और बी को, ए और बी को शामिल। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि ए को इंक्लूड करना है तो ग्रेटर देन इक्वल टू, और बी को एक्सक्लूड करना है तो ओनली लेस। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ए से बड़ा चाहिए लेकिन बी से छोटा या बराबर। तो ये इनका किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में फॉर्म हो गया, ये इनका किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में फॉर्म हो गया, ठीक है, ये इनका किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में फॉर्म। तो आपके जो इंटरवल्स होते हैं बेसिकली ये चार तरीके के होते हैं, ये चार तरीके के होते हैं। हम लोग इसको नंबर के रेस्पेक्ट में भी पढ़ लेंगे, फिर हम लोग कंपाउंड इंटरवल्स की बात, हम लोग इसको नंबर के रेस्पेक्ट में भी पढ़ लेंगे और फिर हम लोग कंपाउंड इंटरवल्स की भी बात करेंगे, ठीक है। देखो तो आगे देखते, इसमें एक स्पेशल केस बनता है इन्फिनिटी का। इस इन्फिनिटी का मैं तुम लोगों को स्पेशल केस लेके समझा रहा हूँ कि इन्फिनिटी पे क्या होता है, क्योंकि काफी सारे लोग सोचेंगे सर अगर इन्फिनिटी आ गया तो क्या होता है, स्पेशल केस ऑफ इन्फिनिटी, द क्यूरियस केस ऑफ इन्फिनिटी। तो जैसे अगर मान लो आपको कोई इंटरवल ऐसे दिया कि इतना पूरा ले लो, मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके यहां तक ले लो ए तक, तो लिखना कैसे है भाई, लिखना तो आपको ऐसे ही जिन दो नंबर्स के बीच में लेना है उनको कॉमा लगा के लिख देंगे, छोटा नंबर पहले रहेगा बड़ा नंबर बाद में रहेगा। तो साफ साफ समझा रहा है, इस साइड है ए बड़ा होगा और ए पर ऐसा घेरा लगा हुआ है एम्प्टी, तो आप इसको राउंड ब्रैकेट से। तो इन्फिनिटीज का ये होता है कि इन्फिनिटीज आर नेवर इंक्लूडेड, सीधी सी बात, किसी भी तरह की इन्फिनिटी हो चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, माइनस और प्लस, पॉजिटिव आर नेवर इंक्लूडेड। अब आप पूछोगे सर क्यों इंक्लूड नहीं करते हैं? भाई तो आप पहुंच ही नहीं सकते उस पॉइंट तक, उसको इंक्लूड कैसे कर सकते हो, जिस पॉइंट तक आप पहुंच ही नहीं सकते हो। आपका आंसर भले ही बोल दे कि भाई इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से जाना है, तो जिस पॉइंट तक आप पहुंच ही नहीं सकते हो उसको आप इंक्लूड कैसे कर सकते हो। भाई इसको उसी तरीके समझ लो
कि जो चीज आपको दिखती ही नहीं है उसको आप कैसे कैच कर सकते हो। तो इन्फिनिटीज आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड। तो जैसे ये आंसर है इसको आप इस तरीके से दे, मान लो आपको आंसर दिया है ए से इन्फिनिटी और ए को इंक्लूड, तो इसको छोटे नंबर को पहले लिखते हैं बड़े नंबर को बाद में लिखते हैं, जिसको शामिल करना होता है इंक्लूड करना होता है उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको शामिल नहीं करना होता उसके लिए राउंड ब्रैकेट। ठीक, क्लियर इन्फिनिटी का केस, क्योंकि इसकी काफी डिमांड होती है मार्केट में, सर इन्फिनिटी पे क्या होगा, काफी डिमांड रहती है कि सर इन्फिनिटी पे क्या होगा। और एक केस अलग से आता है जब आप पूरी नंबर लाइन को घेर लेते हैं, एक केस अलग से आता है जब आप पूरी नंबर लाइन को घेर लेते हैं, एक केस अलग से आता है जब आप पूरी नंबर लाइन को घेर लेते हैं, वो केस क्या होता है, पूरी नंबर लाइन को घेर लेते हैं वो केस क्या होता है देखते हैं। एक केस आपका अलग से आता है वो केस क्या होता है उसको देखते हैं। एक केस आपका सेपरेटली बनता है जब आप पूरी नंबर लाइन को कवर कर लेते हैं, वो केस क्या होता है देखते हैं। तो जब आपको पूरी नंबर लाइन को लेना होता है, पूरी नंबर लाइन को लेना होता है जब आपको ये पूरा रियल, तो रियल नंबर लाइन जहां से जहां तक एग्जिस्ट करती है मतलब तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक पूरे को कवर करना, तो इस सॉल्यूशन को लिखा जाता है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी ऐसे। और इस सॉल्यूशन को वेरिएबल के टर्म्स में कैसे लिखा जाता है, एक्स बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू आर मतलब एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है। कई कई लोग परेशान रहते हैं सर इस सिंबल का क्या मतलब, इसका मतलब पूरा मीनिंग मीनिंग तो इसका होता है बिलोंग्स टू, लेकिन इस पूरी चीज का मीनिंग क्या हो सकता है कि एक्स कैन बी एनी रियल नंबर। तो ये चीज तो आपने कभी ना कभी पढ़ी होगी, जैसे कभी कभी लिख देते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू एन मतलब एक्स कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू एक्स कोई भी होल नंबर हो सकता है, एक्स बिलोंग्स टू आई एक्स कोई भी इंटीजर हो सकता है, एक्स बिलोंग्स टू जेड एक्स कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो ये चीजें आपने कभी ना कभी पढ़ी, जरूर जरूर से पढ़ी होंगी। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी वाला मैंने अलग से केस लेके बता दिया, इन्फिनिटी वाला मैंने अलग से केस लेके बता दिया। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं कंपाउंड इंटरवल्स। जब हमारे पास एक से ज्यादा इंटरवल होगा तो कैसे। अच्छा, तो कुछ एग्जांपल मैं तुम लोगों को दे दे रहा हूँ, जरा अपनी कॉपी पे भी सॉल्व करो, ट्राई इट योर सेल्फ, अपनी कॉपी पे भी सॉल्व करो। जरा कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे अगर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एक्स लेस देन माइनस टू है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एक्स ग्रेटर देन माइनस थ्री लेस देन वन है कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एक्स लेस देन माइनस वन ग्रेटर देन माइनस फोर है कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन थ्री है कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो ये जरा रिप्रेजेंट करो, आप अपनी कॉपी पे ये जरा रिप्रेजेंट करो इंटरवल्स, ये जल्दी से फटाक से करो, कॉपी लेके बैठो और जल्दी से फटाक से करो बेटा, कॉपी लेके बैठो और जल्दी से फटाक से करो। ये 5 सवाल इंटरवल्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जरा कॉपी लेके बैठो और जल्दी से करो, कॉपी लेके बैठा करो भाई सब लोग, कैसे रिप्रेजेंट करोगे ये जरा बताओ, बोलो बोलो बच्चा लोग बोलो। इंटरवल्स के फॉर्म में लिखो आप आंसर, आंसर अगर आपको कमेंट में लिखना है तो इंटरवल्स के फॉर्म में लिखो, आप क्वेश्चन नंबर डालो और आंसर लिखना है तो इंटरवल्स के फॉर्म में लिखो, अगर आपके कीबोर्ड में इंफिनिटी नहीं है तो आप इंफिनिट इनफाइनाइट लिखो। तो लेट्स क्रिएट, ये कौन है भाई, लेट्स क्रिएट, ही इज डूइंग वेरी गुड, लेट्स क्रिएट इज डूइंग वेरी गुड, हु इज लेट्स क्रिएट,
हु इज लेट्स क्रिएट। लेट्स क्रिएट चलो, तो देखा जाए कौन कौन कर ले रहा है, सही सही कौन कौन सही सही कर ले रहा है, कौन कौन सही सही कर ले रहा है, देखा जाए कौन कौन सही सही कर ले रहा है, कौन कौन सही सही कर ले रहा है, देखा जाए। कौन कौन सही सही कर ले रहा, देखा जाए। चलो तो देखते हैं, लेट्स सी लेट्स सी। चलो पहले वाले का आंसर देखते हैं, फर्स्ट का आंसर क्या होगा, फर्स्ट का आंसर क्या होगा देखते हैं। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब पहले का आंसर जो आप बनाओगे, देखो आंसर वो कैसे लिखते हैं, इंटरवल के फॉर्म में इसको लिखोगे कि एक्स अपना 1 से लेके इन्फिनिटी तक रहेगा पहले नंबर लाइन में। नंबर लाइन पे देखोगे तो 1 से बड़ा चाहिए, यानी 1 के इस साइड। तो अगर दूसरा एंड पॉइंट नहीं है तो डेफिनेटली दूसरा एंड पॉइंट इन्फिनिटी होगा। अच्छा, इक्वल टू का निशान है मतलब 1 को शामिल करना। इस आंसर को कैसे लिखते हैं, 1 से इन्फिनिटी तक जाना है, इन्फिनिटी को कभी इंक्लूड नहीं करेंगे, 1 को इंक्लूड करना है। ठीक है, सही है, सभी लोगों का सही है, सभी लोगों का सही है, सभी लोगों का सही है। तो जब इस आंसर को आप लिखोगे तो ऐसे करके लिखोगे, एक्स बिलोंग्स टू, यानी जो ये एक्स है वो इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है। जब आप लिखोगे इस आंसर को तो आप लिखोगे कि ऐसे कि एक्स जो है वो इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। जब आप आंसर लिखोगे तो ऐसे लिखोगे कि एक्स इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है। तो वैसे ही अगर मैं दूसरा बनाऊं तो एक्स बिलोंग्स टू -3 से 1 तक जाना है, -3 को शामिल करना है ये बोल रहा है, और ये बोल रहा है कि 1 को इंक्लूड नहीं, दूसरे का आंसर इधर, ये बोल रहा है 3 से बड़ा चाहिए, यानी एक्स बिलोंग्स टू 3 से बड़ा मतलब इन्फिनिटी तक जाओगे, दोनों को ही इंक्लूड नहीं। ये बोल रहा है -2 से छोटा चाहिए, तो -2 से छोटा मतलब -2 से छोटा, तो सबसे छोटा माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से -2 दोनों को इंक्लूड नहीं। इसका मतलब हो जाएगा 4 से -1 तक जाना है, तो -4 से -1 तक चले जाओ, -1 को इंक्लूड कर लो, 4 को इंक्लूड नहीं, ये हो रहा है। ठीक है, सही है आंसर, सारे सही है, सारे आंसर्स बच्चा लोग, सारे आंसर सही है। तो अब जरा देख लेते हैं थोड़ा सा कंपाउंड इंटरवल्स, थोड़ा सा कंपाउंड इंटरवल्स देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। थोड़ा सा कंपाउंड इंटरवल्स देख लेते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। अब कंपाउंड इंटरवल्स में क्या होगा कि अगर किसी सवाल में इंटरवल इस तरीके से आता है जिसके एक से ज्यादा सॉल्यूशंस हो, एक से ज्यादा इंटरवल्स हो, तो उनको रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन, यूनियन का निशान ऐसे होता है, या फिर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का निशान ऐसे होता है। तो कब यूनियन का सहारा लेंगे, कब इंटरसेक्शन का सहारा लेंगे, तो यूनियन और इंटरसेक्शन का सहारा कब कब लेंगे ये मैं बता। कभी भी अगर किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ रहा है इस तरीके से आ रहा है जिसमें बीच में और आ रहा है, तो आप ऐसे दो इंटरवल्स को कनेक्ट करेंगे
वायु, और अगर एंड आ रहा है तो इसको कनेक्ट करेंगे कनेक्ट बाय इंटरफेस। अब आपको अभी तो नहीं समझ में आ रहा होगा सर ये क्या बता रहे हैं कनेक्ट बाय यूनियन, कनेक्ट बाय इंटरसेक्शन। सवाल के थ्रू समझ लेते हैं, सवाल से बात बेहतर समझ में आता है। देखो अब जैसे मैंने ये सवाल दिया आपको कि एक्स जो है वो ग्रेटर देन वन हो सकता है या फिर एक्स लेस देन माइनस टू हो सकता है, तो भाई सबसे पहले तो आप नंबर लाइन पे इस चीज को लोकेट करो। सबसे पहले तो आप नंबर लाइन पे इस चीज को लोकेट करो। नंबर लाइन पे इस चीज को कैसे लोकेट, दो नंबर वन और माइनस टू नंबर लाइन पे लोकेट। ये कह रहा है वन से बड़ा होना चाहिए तो वन से बड़ा इस साइड लगेगा, ये कह रहा है माइनस टू से छोटा होना चाहिए माइनस टू से छोटा इस साइड लगेगा, और बीच में लगा हुआ है और। तो मैं क्या करूंगा दोनों के इंटरवल्स लिख दूंगा, इस इंटरवल का मतलब लिख दूंगा माइनस टू से छोटा मतलब कहां तक जाएगा माइनस इंफिनिटी तक, वन से बड़ा कहां तक जाएगा प्लस इंफिनिटी तक। तो इस इंटरवल का मतलब हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से माइनस टू, क्योंकि टू से छोटा चाहिए तो मतलब आपका ब्रैकेट ओपन रहे माइनस इंफिनिटी पे हमेशा। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे ये लगा दो, ये कह रहा है वन से बड़ा होना चाहिए, वन भी नहीं, वन के शामिल भी नहीं करना चाहिए, वन से बड़ा मतलब वन से